मम्मी हमें अंग्रेजी सपने नहीं आते। मेरे सपने में सिर्फ तुम होती हो, अब्बू होते हैं, जलेबी के पेड़ होते हैं, रबड़ी की नदियाँ होती हैं, पूरी के झूले होते हैं, खिलौने के पहाड़ होते हैं, जिन और परियां भी होती हैं, कभी कभी नाना नानी आती हैं। तो अब तुम ही बताओ, इसमें कौन बात करते हैं अंग्रेजी में? अम्मी, हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं, अब हमारे सपनों को तो अपनी जबान में रहने दो। मादरी जबान में किताबें पढ़ने से बच्चे अपने माहौल से जुड़ते हैं, साथ ही साथ अपनी तहजीबी और सकाफती शिनाख्त को भी वो बरकरार रख पाते हैं। बच्चे अपनी पसंद की किताबें जब पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ने में मज़ा कब आता है? तो जब सतह के लिहाज से, पसंदीदा मौजू के लिहाज से किताबें उन्हें मैसर आए। हमारे स्कूल की लाइब्रेरियों में बच्चों के लिए ज़्यादातर मजहबी और अखलाकी किताबें ही पाई जाती थी, लेकिन अब बच्चे अपनी पसंद की, अपनी सतह के लिहाज से किताबें चुन रहे हैं और पढ़ना पसंद कर रहे हैं। वो अनुवादक भी बने, उन्होंने 83 बुक्स का ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं से उर्दू में किया था। इसकी वजह से बच्चों में पढ़ने का जो जुनून था वो बढ़ गया। उनकी जो मदर टंग है उसको वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करने लगे और जो मदर टंग है उसमें वो पढ़ने भी लगे। उसके लिए उन्होंने अपने टीचर्स, अपने घर के माता पिता, बुजुर्ग, इनका भी सहायता ली थी। भी हमारा यही लक्ष्य है कि महाराष्ट्र के उर्दू मीडियम का हर एक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। और जो प्रथम बुक्स के वेबसाइट स्टोरी वीवर पर जो भी उर्दू की कहानियां है उसका बहुत सारा फायदा हमारे बच्चों के लिए होगा। और मुझे खुशी है कि पिछले साल हमने जो छोटा सा ये बीज बोया था, इस साल और आगे चलकर भी ये बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत सारा मददगार साबित होगा। शुक्रिया।